इस बिलीव सिस्टम से क्या होता है ना, एटीट्यूड चेंज होता है। हाथी ने शेर को देखा और शेर ने हाथी को देखा, इनकाउंटर हुआ, आंखों के आमना सामना हुआ। अब हाथी ताकतवर है कि शेर? अब कॉमन सेंस देखो, हाथी ने अगर उसके ऊपर पैर डाल दे तो मुझे लगता नहीं कि शेर कभी खड़ा हो सकता है। उस सूंड से लपेट के फेंक दे तो शेर हमसे 100 फुट दूर जाएगा, लेकिन हाथी को साला ऐसा लगता ही नहीं। जब दोनों आमने सामने देखते हैं तो हाथी के दिमाग में तब हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है कि डर ये खाएगा। उसके थॉट प्रोसेस में क्या रहते हैं? अब शेर ने जब हाथी को देखा, उसके थॉट में भी आता है लंच, मैं इनको खा सकता हूँ। जो जो जैसा सोचता है वो वैसा ही एक्ट करता है। हाथी डिफेंसिव मूड में जाता है और शेर अटैक मूड में। लेकिन हाथी क्या शेर से ताकतवर है?